रुद्रांश को जब चोट लगी थी ना तो रुद्रांश ना सांस नहीं ले पाया बहुत देर तक, और उसके उसका जो फेस है ना वो काला हो गया बिल्कुल, बहुत काला, मतलब ये जो पूरा ये जो गाल देख रहे हो ना ये सारा चीज ये सब पूरा फेस काला हो गया था रुद्रांश का, उसकी ना तेज लग गई थी, बहुत तेज लग गई थी ना, खून जम जाता है ना, और हम लोगों पे भी लगेगी ना ऐसे, तो मतलब हमारे भी ऐसे होगा। रुदु यार तुमने क्या कर दिया यार ये? नहीं मैं भाग के लग गई मुझे। कहाँ खेल रहे थे? नहीं मैं भाग लिया था इधर, यहाँ लग गई मुझे। बहुत गंदा, मतलब रो भी नहीं पाया वो, सांस ही नहीं ले पाया वो। मम्मी मैं फोटो खींचू। फोटो खींचू, चलो रुदु। मैं तो अपना वो ले लूंगा, ये रुद्रांश ना अपनी चोट देख रहा है फोटो में। मम्मी बोल मेरी फोटो खींच, देखो दवाई लगाएंगे फिर। है रात को दर्द होगा ना सोते वक्त। हाँ अब सबको बताओ कैसे लगी ये चोट आपको? मैं भाग लेता हूँ, मैं नीचे गिर गया, लग गई। अरे तो अब ऐसे मत भागना ठीक है, इधर उधर वो भी होते हैं पत्थर गिरे हुए रहते हैं ना, तो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस पापा। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? हम तो बहुत बढ़िया है, और मेरा रुद्दू भी बढ़िया है ना। हाँ मेरा रुद्दू अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दर्द हो रहा है। और दोस्तों एक गुड न्यूज है, जो रुद्दू की बुआ है ना मेरी सबसे छोटी बहन संगी कोटद्वार में रहती है, उसका बेबी होने वाला है आज, और कभी भी गुड न्यूज़ हमको मिल सकती है, तो बहुत मतलब खुशी हो रही है। एंड अभी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, फ़ोन करना पड़ रहा बार बार कि क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल में है सब, लेकिन सब बढ़िया हो जाएगा। तो रुदु बुआ को कुछ बोलना चाहोगे? कोटद्वार वाली बुआ, थैंक यू। थैंक यू। जब रुदु गिरा था तो आप भी उसके सामने थे? कहाँ सामने, कहाँ तो खेल रहा था। अच्छा, जैसे आपके पास आया चुप हो गया? चुप कहाँ हुआ, उसकी सांस नहीं आई बहुत देर तक। यहाँ पे जितने सब घबरा गए, मेरे पास ही था, दौड़ गए यहाँ पे। अच्छा, गोदी में वो सांस नहीं ले पाया ना। अच्छा, बहुत देर तक, जब सांस लेने के बाद रोया फिर। हमने यहाँ पर धुआं कर रखा है ना, तो इसकी वजह से, हाँ इसकी वजह से यहाँ पर जो चुमड़े हैं मतलब मधुमक्खी टाइप की होती है ये सारे उड़ रहे हैं, ततैया। अब ये काट सकती है भैया? पापा मैं एक काम करूं। यस ये देखो फिर तुमने। दादा हमने डेबू के साथ बैठा। बाच 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 काट देगी वो, काट देगी वो, बहुत तेज काटती है। गाइस मैं दादा के साथ देबू के साथ बैठा हूँ। देबू बुला रही है आपको? वहीं पे मार दे, देख कहाँ पे चोट लगी है। नहीं नहीं वो चोट चोट लगी है, चोट लगी है। देबू दादी फोन चार्ज हो गया? अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। हो गया ना? नहीं चार्ज हो गया पर मैं नहीं दूंगी, चल देना है। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और ये ब्लॉग हम रात को ही शुरू कर रहे हैं, मतलब हमने सोचा था कि अभी हम खाएंगे सो जाएंगे, लेकिन हमको एक गुड न्यूज मिली और बहुत मतलब होता है ना कि दिल खुश हो गया, ऐसा लग रहा है पूरा दिन बन गया है। तो मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है संगीता, उसका अभी बेबी हुआ है और बहुत हेल्दी बेबी हुआ है, और मेरी सिस्टर अभी बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। बहुत दिक्कत हुई थी 9 मंथ तक, अब मैं क्या ही आपको कहानी सुनाऊँ, इसीलिए हम सब अंदर से थोड़ा सा थोड़ा क्या यार परेशान थे, हाँ घबरा रखे थे, भले आपको कभी दिखाते नहीं थे ना ही पापा ना ही मम्मी, लेकिन हम सब घबरा रहे थे। बेबी तो हेल्दी हो गई होगा, बस मेरी बहन बिल्कुल हेल्दी रहे और जो है ना सुरक्षित था, सब बढ़िया रहे। देखो माँ को तो देखो पेन जो होता है उसका तो हम मैं कभी बयां कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, माँ को ही पता होता है। बट बहुत दिक्कत हो रही थी मेरी सिस्टर को, और मैं आपको क्या ही स्टोरी सुनाऊँ, कभी वो खुद ही आपको बताएगी तब आप सुनना। बट अभी बस गुड न्यूज ये है कि बेबी हुआ है, और बेबी बॉय है या गर्ल है चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं। अच्छा टाइम क्यों चाहिए? खुशी में भी रोना है। सबसे छोटी वाली सिस्टर है ना संगीता कोटद्वार में, उसका अभी बेबी हुआ है और ये हुआ और बहुत नेचुरल हुआ, नेचुरल। तो आप मोनी कारण हवे था वो ध्यान दे रहा ना अपन लदोर बांध अभी तो मीठ बनाया ताला कुछ नहीं हूं। हां मेरे आंसू खुशी के आंसू है, मेरे सब चार बेटी है, मतलब राखी भी बेटी है, और इसी का ज्यादा टेंशन था थोड़ा सा, और मैं बहुत मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं मुंडा झूला बांध बाल बांधे हुई मुंडा झूला बांध।
तो रोना चाहिए क्या है समझ नहीं आने देता पापा के खुशी के आंसू है मम्मी मम्मी खुश हो गई पूरी एक टेंशन निकल गई है ना मतलब हम लोग पूरे दिन भर परेशान थे तो अभी मेरी दोनों बहनें भी वहीं पर हैं मेरी सबसे छोटी बहन के साथ तो वो देख रेख कर रही है अब मम्मी जाएंगी हम जाएंगे तो देख दो पापा को देवांशी तेरा एक और भाई हो गया है भैया हो गया तुम्हारा छोटा भैया ये फोन पे रहता है 15 अगस्त को एक तब डायलॉग जा रही कितने बजे कितने को पूछना पड़ेगा तो 15 अगस्त को मेरा भांजा हुआ है हाँ बिल्कुल अरे दिग्गया प्रदीप जैसा लग रहा है मैं रास्ते चले जाएंगे ना फिर वहाँ से दिल्ली भी चले जाएंगे बंदे मातरम बहुत ज्यादा प्यारा है माँ कुछ बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए जो मेरे दिल की है वो सुन दिया भगवान जी ने बस अरे क्या बात है माँ की दिल माँ ही जानेगी हाँ बस ये 9 महीने से कर रही मैं इंतजार मेरे को ऐसे नहीं था कि लड़का 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 लड़की तो कुछ भी होगा भगवान सुखी चाहिए मेरे को बस उसको माँ बोलने के लिए हो गया हेल्दी बेबी होना चाहिए ना हेल्दी बेबी और मम्मी भी हेल्दी होनी चाहिए तो मेरी सिस्टर अभी बिल्कुल ठीक है बहुत दिक्कत भी थी बट अभी सब ठीक है अब हम लोग खाना खा रहे हैं अब मतलब चैन मिल गया ना तो बता कैसा लग रहा है बहुत सारे फोन कॉल्स हो गए अब अच्छा लग रहा है चिंता दूर हो गई बस और मैंने कभी YouTube में बोला भी नहीं क्योंकि मैं सोच रहा था कि बाद में सब बढ़िया हो जाएगा तो बताऊंगा क्योंकि संगी जो है मेरी सिस्टर की तबीयत थोड़ा सा अब क्या बताऊं टुदू चल आज तो मोबाइल चला ले सबकी मनोकामना पूरी करे भगवान सबकी करेगा देर है पर अंधेर नहीं है मम्मी को भी कॉल्स आ रहे हैं बहुत सारे गाइस मेरी बुआ का बेबी भाई हो गया अब क्या करोगे दादा का मोबाइल देखूंगा अरे रुद्रांश मैं पापा के साथ होऊंगा आज ये देखो ये अभी दादा दादी के साथ था और ये अब मेरे साथ आ गया है मैं अब काम करूंगा अब ये तंग करेगा मुझे दादा आपको कल मिलेंगे तब तक के लिए बाय पापा अभी सो जाओ ठीक है